भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंद विश्व राज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आजच्या या सभेमध्ये मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय उमेदवार आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने जे पुन्हा एकदा खासदार म्हणून दिल्लीला जाणार आहेत असे सुनील मेंढेजी, ज्यांच्या पुढाकाराने आजचा हा कार्यक्रम आणि ही विशाल जनसभा या ठिकाणी आयोजित झाली, ते आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार विनोद अग्रवालजी मंचावर उपस्थित, परिणय फुकेजी, राजेंद्र जैनजी, येशूलालजी उपराळे, पंकजी रहांगडाले, अशोकजी इंगळे, भाऊरावजी उके, प्रेमकुमारजी रहांगडाले, मुकेशजी शिवहरे, मुनेशजी रहांगडाले, पूजाताई सेठ, सीताताई रहांगडाले, शिवजी शर्मा, सुनीलजी केलनकर, छत्रपालजी तुरकर, कशिशजी जयस्वाल, मनोहरजी असवानी, भावरसिंगजी नागपुरे, भावनाताई कदम, लखनजी हरिणखेडे, चेतनजी भायकर, बाळकृष्णजी पटले, कुंदनजी कटरे, पुरोहितजी, धनंजय तुरकरजी, इंदलसिंग राठोडजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मुझे हमारे विनोद अग्रवाल जी ने निमंत्रण दिया कि आप गोंदिया में सभा लेने के लिए आइए। मैंने कहा विनोद बाबू आप हो, आप सब काम कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो, आपके ऊपर लोगों का प्यार है, विश्वास है, फिर मेरे आने की जरूरत क्या है? तो विनोद बाबू ने मुझे कहा मैं आपको इसलिए बुलाना चाहता हूं कि गोंदिया वालों के दिल की चाबी मैं आपके हाथों से मोदी जी को सौंपना चाहता हूं। तो मैं यहां गोंदिया वालों के दिल की चाबी लेने के लिए आया हूं और आपकी चाबी सीधी मोदी जी के हाथ में सौंपने वाला हूं। हम सभी जानते हैं ये चुनाव ग्राम पंचायत का, नगर पालिका का, महानगर पालिका का, जिला पंचायत का या विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, देश की लोकसभा का चुनाव है। देश का नेता कौन होगा ये चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव है। और अगर हम पूरे देश में देखें तो अब केवल दो विकल्प बचे। एक विकल्प हमारे विश्व गौरव विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, एनडीए और महायुति काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी है, शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना है, हमारे अजीत दादा और प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में राष्ट्रवादी है, हमारी रिपाई है, अलग अलग संगठना है और उसके साथ साथ हमारी चाबी संगठना भी मोदी जी के नेतृत्व में आज यहां पर काम कर रही है। तो एक ओर मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है और दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में काम चल रहा है। बस दो खेमे, दूसरा कोई नहीं है, दो खेमे यहां पर है। और मोदी जी ने एक ऐसी विकास की ट्रेन तैयार की है जिस ट्रेन के इंजन मोदी जी है और बाकी सारी पार्टियां उसकी बोगी है, और इस ट्रेन में मोदी जी सभी को बैठाना चाहते हैं। दीन दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेत मजदूर, जितने सारे लोग हैं, हमारे ओबीसी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारी महिलाएं, सभी को इस ट्रेन में बैठाना चाहते हैं और इस ट्रेन में बैठाकर मोदी जी विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। विकास की ट्रेन है। 10 साल हमने देखा जिस तेजी के साथ, जिस गति के साथ
आम आदमी का विकास मोदी जी ने किया, हम सब लोग उसको पास से देख रहे हैं। और दूसरी ओर इंजन राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी का इंजन जो है, राहुल गांधी कहते हैं मैं इंजन हूं, बाकी कोई उनको इंजन मानने को तैयार नहीं है। पवार साहब बोलते मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते मैं इंजन हूं, ममता बनर्जी बोलती मैं इंजन हूं, वहां पर लालू प्रसाद यादव बोलते मैं इंजन हूं, अखिलेश यादव बोलते मैं इंजन हूं। इनकी अवस्था ऐसी है, इनकी गाड़ी को बोगी नहीं है, सिर्फ इंजन है, और इंजन में केवल ड्राइवर बैठ सकता है। आम आदमी बैठता है कभी इंजन में? इंजन में केवल ड्राइवर बैठ सकता है। इनके इंजन में केवल इनको और इनके परिवार को जगह है, इनके इंजन में आम आदमी को कोई जगह नहीं है। और इनकी गाड़ी भी कैसी है, राहुल गांधी अगर इंजन को दिल्ली की ओर ले जाते हैं तो शरद पवार बारामती की ओर ले जाते हैं, उद्धव ठाकरे बंबई की ओर ले जाते हैं, ममता बनर्जी कलकत्ता की ओर ले जाती है। इनका इंजन चलता ही नहीं है, ये ठप इंजन है, ये बंद पड़ा हुआ इंजन है, ये देश को विकास की ओर नहीं ले जा सकता। देश को विकास की ओर अगर कोई ले जा सकता है तो मोदी जी ही ले जा सकते हैं, मोदी जी के हाथों में ही ये देश आगे बढ़ सकता है। हमने देखा पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया। इस देश में 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी रेखा के बाहर निकाला, और दुनिया के इतिहास में 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आना ये किसी देश में संभव नहीं हो पाया जो मोदी जी ने करके दिखाया। 20 करोड़ लोग जो झोपड़ी में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, उनको पक्का मकान देने का काम पिछले 10 साल में मोदी जी ने किया, और अगले 5 सालों में और 12 करोड़ लोगों को पक्का मकान ये मोदी जी के माध्यम से यहां पर मिलने वाला है। हम देख सकते 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग ऐसे थे कि जिनके परिवार में शौचालय नहीं था, हमारे माताओं बहनों को तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, ऐसे 50 करोड़ लोगों के घर में शौचालय मोदी जी के काल में बना। 55 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घरों में माताएं बहनें चूल्हे पर हमारा खाना बनाती थी, अनाज पकाती थी, आज वहां पर गैस देने का काम मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घरों में पीने का पानी नहीं आता था, हमारी माताओं बहनों को पानी लेने के लिए हंडी लेकर या तो कुएं पे जाना पड़ता था या नदी पर जाना पड़ता था, उन 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी नल के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत मोदी जी ने एक कवर दिया जिसमें सब प्रकार के उनके ऑपरेशन होंगे, उनकी दवाई होंगी, उनका इलाज होगा, ये सारा का सारा इलाज मुफ्त में किया जाता है। और अब तो मोदी जी ने कहा है 70 साल के ऊपर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं सभी का इलाज, वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हमारा जो सीनियर सिटीजन है उसका पूरा इलाज ये मुफ्त में करने का काम मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। आज हमारी इतनी सारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई है, मोदी जी ने हमारे माताओं बहनों के हाथ को काम मिलना चाहिए, 85 लाख बचत गट तैयार किए और उनको 8 लाख करोड़ रुपए दिए, आज हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। और मोदी जी ने अब कहा है कि ये जो बचत गट की चीजें तैयार होगी, सारा का सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये महिलाओं के बचत गटों को उपलब्ध कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन होगा, बस स्टैंड होगा, सरकारी ऑफिसेस होंगे, सरकारी जगह होगी, सब जगह महिला बचत गट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बेचने के लिए विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जाएगी, ये मोदी जी ने आज कहा है। इतना ही नहीं, हमारे युवाओं के लिए मोदी जी ने मुद्रा जैसी योजना लाई और उस योजना में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया। मोदी जी ने कहा 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बिना किसी तारण के हम देंगे, बिना किसी मॉर्गेज के देंगे। पहले कोई बैंक में जाता था तो
तो बैंक वाला पूछता था घर या जमीन गिरवी रखोगे तो लोन मिलेगा, या फिर बोलता था कोई सरकारी आदमी आपका रिश्तेदार है उसको लेकर आओ, सरकारी नौकर अगर गारंटी लेगा तो आपको लोन मिलेगा। मोदी जी ने सब निकाल दिया और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी तारण के वहां पर दिया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है हमारी माताओं बहनों को, इसमें 31 करोड़ महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर मोदी जी के कारण आज खड़ी हुई है। और मोदी जी ने कहा है कि अगर एक पुरुष को हम लोन देते हैं तो केवल पुरुष अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन एक महिला को अगर लोन देते हैं तो पूरा परिवार अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसलिए महिलाओं को अधिकारिता देने का काम मोदी जी ने किया। आज महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं मोदी जी ने शुरू की, मैं सारी योजनाएं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक बात पक्का कहना चाहता हूं, अभी तो विनोद बाबू अपने सारे मंचों पर महिलाएं कम दिख रही है, लेकिन 2026 के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के बिना चलने नहीं वाली, क्योंकि मोदी जी ने कहा है 2026 के बाद जितने चुनाव होने वाले हैं हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, 33% जगह ये महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। अब विधानसभा में भी महिलाएं आमदार बन के जाएगी और लोकसभा में सांसद बन के भी महिलाएं जाएंगी, तो महिलाओं के लिए मोदी जी ने इस प्रकार से काम किया है। आज हम देख सकते कि मोदी जी ने हमारा आदिवासी समाज है 24,000 करोड़ रुपए आदिवासी समाज के उत्थान के लिए दिए, हमारा अनुसूचित जाति का समाज है अनुसूचित जाति में उद्योजक तैयार हो, मोदी जी ने कहा हर बैंक के हर ब्रांच को हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को लोन देना ही होगा और जो ब्रांच नहीं देगा उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल होगा। पूरे देश के सारे बैंकों में आज अनुसूचित जाति के हमारे बच्चों को लोन मिल रहा है, वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे। मोदी जी ने हमारे 12 बलुतेदार माइक्रो ओबीसी जो है हमारे ओबीसी समाज के लिए योजना लाई, 30,000 करोड़ रुपया पारंपरिक व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनको मोदी जी ने दिए और उनकी आने वाली पीढ़ियां आधुनिक तरीके से अपना व्यवसाय कर पाए, ये विषय मोदी जी ने आज यहां पर करके दिखाया। इतना ही नहीं तो मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए तैयार किया और 70 सालों के बाद ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक तरीके से ओबीसी को मिले, ये आरक्षण कोई समाप्त तो नहीं कर पाए, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करके ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम मोदी जी ने किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे देश में मोदी जी का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है कि जिसमें 60% मंत्री ओबीसी एसटी और एससी है, एक प्रकार से सामाजिक न्याय का मंत्रिमंडल ये मोदी जी ने तैयार किया है। सारे समाजों को साथ में लेकर आज हम देख सकते हैं हमारे किसानों को मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया, 6,000 रुपए मोदी जी देते तो 6,000 रुपए राज्य की तरफ से हम भी देते हैं। हमारे किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में धान उत्पादक किसानों को 20,000 का बोनस हमने दिया, मोदी जी के नेतृत्व में धान की जो खरीद है 2 गुना हमने बढ़ाई, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को आज नैनो यूरिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर मदद हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने का काम मोदी जी करने वाले हैं, ताकि हमारे कृषकों को भी बड़े पैमाने पर फायदा मिले। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको मोदी जी ने लाभान्वित नहीं किया। और ये सारी चीजें करते हुए भी 2013 में कांग्रेस की सरकार में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को IMF करता था ये दुनिया के 5 देश ऐसे हैं भारत सहित जो चरमरा रहे हैं, ये कोलैप्स हो रहे हैं, ये दिवालिया हो रहे, 10 साल बाद वही IMF कहता है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आए। और मोदी जी ने कहा
अगले 3 सालों में हम तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये कहते करते हुए मोदी जी ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, आज सड़कें देखिए, इतने बड़े पैमाने पर सड़कें बनी, पुलिया बने, पीने के पानी की योजनाएं बनी, आज पोर्ट बने, एयरपोर्ट बने। मोदी जी ने कांग्रेस के जमाने में 1 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्चा होता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अब 13 लाख करोड़ रुपया सालाना मोदी जी खर्चा करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि गांव गांव तक, शहर शहर तक अच्छी सड़कें पहुंच रही है। और हमने भी पिछले समय समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है अब समृद्धि महामार्ग गोंदिया तक हम लोग ला रहे हैं। गोंदिया वालों चिंता मत करो, अब 8 घंटे में आप सीधा मुंबई में पहुंचोगे, इस प्रकार का समृद्धि महामार्ग यहां तक आ रहा है। दोस्तों, इस देश को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए ये चुनाव ये कोई सुनील मेंढे का चुनाव नहीं है। सुनील मेंढे को जब हम वोट देते हैं, जब सुनील मेंढे की बटन हम दबाते हैं, जब कमल की बटन दबाते हैं, सुनील मेंढे जी को तो वोट मिलता है, पर वोट ये सीधा मोदी जी को मिलता है। मोदी जी को वोट देने का मौका हमको मिला है। हमारे सुनील ने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मोदी जी की टीम में एक सांसद के रूप में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ला सकते हैं वो लाने का प्रयास उन्होंने यहां पर किया है। और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर एक बार मोदी जी के आशीर्वाद से यहां पर बड़े पैमाने पर काम होंगे। और मैं विनोद जी को बताना चाहता हूं, विनोद बाबू आपने डांगुरली की बात यहां पर कही है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शब्द देता हूं, डांगुरली का काम ये अपन निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और आपने जो कचरे के लिए जगह की बात कही है, मोदी जी भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। ये जो कचरा पड़ा हुआ होता है ये कचरे पर प्रक्रिया हो, कहीं पर भी गंदगी न हो। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग इसके ऊपर एक मीटिंग लेंगे और आपके कचरे के जमीन का प्रश्न भी निश्चित रूप से सुलझाएंगे। और मैं विनोद जी को आश्वस्त करने आया हूं, अरे गोंदिया वैसे तो हमारा बॉर्डर का जिला है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की शुरुआत भी तो गोंदिया से होती है। तो विनोद बाबू, लोग गोंदिया में आएंगे तो महाराष्ट्र को तो गोंदिया से परखेंगे। और आपने बहुत अच्छा काम गोंदिया में किया है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट गोंदिया में लाए हैं, और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा काम अपने को करना है। हम सब लोग पीछे, कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार अपनी है। इस सरकार में गोंदिया के लिए आप जो भी मांगोगे ये सरकार आपको देगी, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, इस चुनाव में देश का नेता चुनने की का अवसर हमको मिला है। आने वाले 19 तारीख को आप सभी लोग कमल का बटन दबाइए, अरे मोदी जी के हाथ में देश दीजिए। मोदी जी ने कहा पिछले 10 साल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले 5 सालों में मोदी जी एक ऐसा भारत तैयार करेंगे जो भारत सभी के सपनों को पूरा करेगा, एक बलशाली भारत जिस भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। देखिए मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का निर्माण किया है, अब पाकिस्तान और चीन भी भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अरे भारत उन देशों में शुमार हुआ है जो देश मजबूत देश है, जो देश बलशाली देश है, ऐसे देशों में भारत का शुमार हुआ है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी को आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए और हमारे सुनील मेंढे जी को आपके प्रतिनिधि के रूप में कमल का बटन दबाकर दिल्ली भेजिए। इतना ही कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।